पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पार्लियामेंट चलाने की बात कर ले, अब तो आपके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा है क्योंकि आपका विपक्ष का नंबर भी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है जितना सत्ता पक्ष का है। अच्छा, और तो स्पीकर के चुनाव के लिए इस तरह से क्या आगाज करना 18वीं लोकसभा का आपको लगता है संकेत अच्छे देता है देश की डेमोक्रेसी के लिए? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेसिकली अहंकार में डूबी रहती है, उसे बहुत अहंकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो कह ही रहे हैं, जनता भी कह रही है, आरएसएस प्रमुख भी कह रहे हैं, अहंकार है। उनको कोई पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी और सुचारू रूप से पार्लियामेंट चले इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती, लेकिन हम तो अहंकार में हैं, हमें क्या करना है, हम तो राजा हैं भाई। बात बाकी सब प्रजा, इनको क्यों पूछेंगे हम, इनसे क्या बात करेंगे, इनसे मिलजुल के हमें क्या बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। ये कहते थे पार्लियामेंट में ताला रहे, बिल्कुल आप तो तानाशाही करते हो, आप तो संविधान ही खत्म करने की बात करते हो। 150-150 पार्लियामेंट को आप निलंबित कर देते हो, एक दिन में 78-78 पार्लियामेंटेरियन को आप निलंबित कर देते हो और अकेले बिल पास करते रहते हो। ऐसा अत्याचार तो हमने कभी नहीं देखा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आदिवासी समाज की महिलाओं को आपने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब नया पार्लियामेंट भवन बनेगा उसके उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे, हम राष्ट्रपति बनाएंगे लेकिन मंदिर होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वहां पे नहीं बुलाएंगे। कमाल की बात करते हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने अहम के नशे में घमंड है, उसे जिसका घमंड जनता ने उतार दिया, 240 पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन घमंड नहीं जा रहा है। वो कह रहे मुझे 40 पे लाओ, 240 बहुत हो गया, मुझे 40 पे आना है। थोड़ी मर्यादा रखिए, जनता अब 4 पे ले आएगी, चिंता मत कीजिए। जो घमंड आपका है ना, जो जनता के बारे में सोचते नहीं हो, जनता की बात नहीं करने, हर बात में मोदी सरकार, हर बात में मोदी सरकार। अरे भैया जनता ने आपको 240 दिए हैं, आप एनडीए के बैसाखी पे टिके हो, ये मत भूलो, किस दिन वो खींच लेंगे, उसमें धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, फिर कोई दिखाई नहीं देगा अगल बगल में। इसलिए आपकी सरकार बहुत दिन की है नहीं, आप 2-4 महीना पार कर लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आप जनता के मुद्दों पे आज भी बात नहीं करोगे। हम तो कहते हैं आप तो लोकसभा का सदस्य चुन रहे हैं 5 साल के लिए, स्पीकर भी आप चुनना चाहते हो 5 साल के लिए, लेकिन अग्निवीर 4 साल के लिए होगा, नौकरी हम 4 साल को देंगे। मजा आया। ऐसा कभी अंधेर अत्याचार आपने कहीं देखा है किसी देश में कि भाई हम बने 5 साल के लिए और लोग यहाँ 15-15, 20-20 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए? कमाल है, ये तो कमाल है ना, कमाल तो बिल्कुल है। खत्म।